हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके फूड इंस्पेक्टर और प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है, जो कि पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है, जिसमें बाबू रेवाराम, गोपाल चंद्र मिश्र, दलपत राव, हीरालाल कापियोपाध्याय, जिनके आंसर है छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल चंद्र मिश्र जी को कहा जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित रचनाकार नहीं है, खूब तमाशा, गंगा लहरी, सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, जिनके आंसर है गंगा लहरी, जो कि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं, जो कि बाबू रेवाराम, लोचन प्रसाद पांडे, दलपत राव, नरसिंह दास वैष्णव, जो कि आंसर लिया गया है बाबू रेवाराम। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किस जिले में छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख है, रायपुर, राजिम, दंतेवाड़ा, रतनपुर, इसका आंसर लिया गया है दंतेवाड़ा। और आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि हैं बाबू रेवाराम, लोचन प्रसाद पांडे, दलपत राव, नरसिंह दास वैष्णव, जो कि इसका आंसर है नरसिंह दास वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलबासन एक धार्मिक गाथा है जो संबंधित है सीता लक्ष्मण की कहानी से, द्रौपदी के तीजा पर वर्णित है, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय से संबंधित, कबीर पंथ से संबंधित, तो इसका आंसर है सीता लक्ष्मण की कहानी से संबंधित है जो कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल मिश्र ने गोपाल चंद्र मिश्र की किस रचना को पूर्ण किया, जिसका क्वेश्चन है राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, जिसका आंसर लिया गया है राम प्रताप जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बाबू रेवा राम की संस्कृति रचना है, जो कि संस्कृत रचना है, इसमें गंगा लहरी, रहस्य, रावस में तारिके है वंशी, जिनका आंसर है गंगा लहरी, जो कि बाबू रेवा राम की संस्कृत की रचना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के भजन के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवा राम, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर मनुला यदु, जिसका आंसर लिया गया है बाबू रेवा राम, जो कि माता के भजन के रचनाकार हैं। यहाँ से सुमेलित करना है, रचनाकार से रचनाएं किससे संबंधित है, जो कि सुमेलित करना है। पहला में शिवदत्त शास्त्री, दूसरा में खांडेराव, लक्ष्मण कवि, बाबू रेवाराम, जो कि इसमें पहला का अ दिया है, जो कि पहला का, दूसरा का ब, तीसरा का स और चौथा का द, शिवदत्त शास्त्री, जो कि इस इतिहास समुच्चय से संबंधित है, और खांडे राव जो कि राधा विनोद से संबंधित है, और लक्ष्मण कवि जो कि भोसला वंश प्रशस्ति से संबंधित है, उसी तरह बाबू रेवा राम जो कि रतनपुर का इतिहास से सुमेलित है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लिखा, जो कि यहाँ पे दिया है जीए गियर्सन, हीरालाल काव्योपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र देव वर्मा, जो कि इसका आंसर है हीरालाल काव्योपाध्याय। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि हैं, मुकुटधर पांडे, निरुपमा शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बंसीधर पांडे, इनका आंसर लिया गया है मुकुटधर पांडे, जो कि हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक हैं।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि हैं नरसिंह दास वैष्णव, शरद कोठारी, लोचन प्रसाद पांडे, निरुपमा शर्मा। और इसका आंसर है नरसिंह दास वैष्णव, जो कि आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं मुकुटधर पांडे, निरुपमा शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बंसीधर पांडे। तो इसका आंसर बंसीधर पांडे जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला कवित्री एवं हिंदी साहित्यकार हैं सरला शर्मा, ममता चंद्राकर, निरुपमा शर्मा, तीजन बाई। जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला कवित्री एवं हिंदी साहित्यकार हैं निरुपमा शर्मा जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। इसका आंसर है श्री केवलभूषण, श्री लखनलाल गुप्त, श्री शिवशंकर शुक्ल, श्री कृष्ण कुमार शर्मा। तो इसका आंसर लिया है शिवशंकर शुक्ल जी, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार हैं। इसका आंसर लिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडी बोली व्याकरण और कोश के रचनाकार हैं गोंडी बोली व्याकरण और कोश के रचनाकार हैं पी एस पट्टावी, डॉक्टर सुधीर शर्मा, पालेश्वर शर्मा, डॉक्टर मन्नूलाल यदू। इसका आंसर लिया गया है पी एस पट्टावी, जो कि आंसर है इसका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन व्याकरण किसकी रचना है, जो कि चंद्र कुमार चंदाकर, डॉक्टर मनुलाल यदु, डॉक्टर क्रांति कुमार जैन, पुनीत गुरुवंश। जो कि इसका आंसर है डॉक्टर मनुलाल यदु, आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश व्याकरण के रचनाकार हैं पी एस पट्टावी, डॉक्टर सुधीर शर्मा, पालेश्वर शर्मा, डॉक्टर मनुलाल यदु। तो छत्तीसगढ़ी हिंदी का शब्दकोश व्याकरण के रचनाकार हैं पालेश्वर शर्मा जी हैं, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द सागर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश व्याकरण किसकी रचना है, चंद्र कुमार चंदाकर, डॉक्टर मनुलाल यदु, डॉक्टर कांति कुमार जैन, पुनीत गुरुवंश। इसका आंसर लिया गया है पुनीत गुरुवंश, जो कि शब्द सागर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश व्याकरण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण व्याकरण के रचनाकार हैं डॉक्टर विनय पाठक, ब विनोद कुमार वर्मा, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अ एवं ब दोनों हैं, जो कि डॉक्टर विनय पाठक और विनोद कुमार वर्मा इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास 1989 किसकी रचना है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, भारत चंद्र राव तैलंग, साधना जैन, डॉक्टर शंकर शेष। तो इसका आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास की रचना किए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश किसकी रचना है, चंद्र कुमार चंदाकर, डॉक्टर मन्नूलाल यदु, डॉक्टर कांति कुमार जैन, पुनीत गुरुवंश। इसका आंसर लिया गया है डॉक्टर कांति कुमार जैन, जो कि छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश की रचनाकार है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस सन में छपवाया है, जो कि डेट देखना है यहाँ पे दिया गया है 1703, 1890, 1900, 1901। तो इसका आंसर है 1890, जो कि इसका आंसर है, जो कि गियर्सन ने इस सन में छपवाया था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसकी रचना है,
चंद्र कुमार चंदाकर, डॉक्टर मन्नूलाल यदु, भालचंद्र राव तैलंग। इसका आंसर है भालचंद्र राव तैलंग, जो कि छत्तीसगढ़ी, हल्बी एवं भत्री बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन रचना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रोमिला थापर, श्री प्यारेलाल गुप्त, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लिया गया है श्री प्यारेलाल गुप्त, जो कि इसका आंसर है प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक श्री प्यारेलाल गुप्त जी हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक है जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, जो कि जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि गोपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्यधारा की प्रथम कविता मानी जाती है? शैलबाला, पूजा के फूल, हृदयदान, कुरुरी के प्रति, जो कि इसका उचित आंसर है कुरुरी के प्रति, पंडित मुकुटधर पांडे द्वारा माना गया है। यहाँ पे सुमेलित करना है अब पश्चिमी छत्तीसगढ़ ही, उत्तरी छत्तीसगढ़ ही, पूर्वी छत्तीसगढ़ ही, दक्षिणी छत्तीसगढ़ ही। यहाँ पे आंसर दिए गए हल्बी, लरिया, खल्टाही, सरगुजा। इसका आंसर पहला का देखते हैं, अ का तीसरा पश्चिमी छत्तीसगढ़ ही, इसका खल्टाही आ जाएगा, और उत्तरी छत्तीसगढ़ ही का सरगुजिया आ जाएगा, और पूर्वी छत्तीसगढ़ ही का लरिया, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी का हल्बी आ जाएगा। इसका उचित आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साहित्यकार के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? हरी ठाकुर, लोचन प्रसाद पांडे, रामदयाल तिवारी, विद्याचरण शुक्ल। इसका आंसर है रामदयाल तिवारी, जो कि विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है रामदयाल तिवारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य हैं गजानन, माधव मुक्तिबोध, कोदूराम दलित, लक्ष्मण मस्तूरिया, बाबू रेवाराम। इसका आंसर है कोदूराम दलित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य हैं कोदूराम दलित जी को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता हैं श्यामलाल चतुर्वेदी, हरी ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव, पालेश्वर शर्मा। इसका आंसर है श्यामलाल चतुर्वेदी, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता हैं श्यामलाल चतुर्वेदी जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित प्रथम कवि हैं सॉरी छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश, मोर छुइया हुइया, माया के सुरता, झन भुलो माँ बापला। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहानी के लेखक कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी, बंसीधर पांडे, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर लिया गया है बंसीधर पांडे, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है प्रथम उपन्यासकार हीरो के कहनी, बंसीधर पांडे जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, केवरभूषण बद्री विशाल परमानंद, जो कि मुकुटधर पांडे जी हैं इसका आंसर, जो कि मेघदूत के अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना नहीं है, इसमें देखा है नहीं है दिया है, बेटी के विदा, भोलवा भोला राम बनीस, राम बनवास, धान का कटोरा।
तो बेटी के विदा, भोला भोलवा भोलवा राम वनिस राम वनवास श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना है। इसमें धान का कटोरा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के कटोरा पत्रिका के रचनाकार हैं दानेश्वर शर्मा, राजेंद्र तिवारी, विनय कुमार पाठक, कपिल नाथ कश्यप। तो धान के कटोरा पत्रिका के रचनाकार हैं विनय कुमार पाठक जी, कोई इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपत गुरु भाई तपत गुरु काव्य संग्रह के लेखक हैं दानेश्वर शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, विनय कुमार पाठक, सुरेंद्र दुबे। तो तपत गुरु भाई तपत गुरु काव्य संग्रह के लेखक हैं दानेश्वर शर्मा जी, इसके आंसर हैं। छत्तीसगढ़ी गीत बेटी के विदा के रचनाकार हैं दानेश्वर शर्मा, विनय कुमार पाठक, मेदिनी प्रसाद पांडे, सुरेंद्र दुबे। तो इसका आंसर है दानेश्वर शर्मा जी, जो कि छत्तीसगढ़ी गीत बेटी के विदा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको कहें भला अपना, किसकी रचना है? विमल कुमार, हरि ठाकुर, निरुपमा शर्मा, विनय कुमार पाठक, जो कि किसको कहें भला अपना रचनाकार हैं विनय कुमार पाठक, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर कावेरी दामाड़कर, डॉक्टर जयश्री शुक्ल, डॉक्टर कावेरी दामाड़कर, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, दानेश्वर शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, डॉक्टर कावेरी दामाड़कर, जो कि पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सुरेंद्र दुबे की रचना नहीं है कहा गया है। तो इसमें आएगा मोर पंडवा गंवा के, पीरा दो पांव का आदमी, नवा सुरुज, नुक्कट नाटक संग्रह, लवकुश खंड काव्य। तो इसमें मोर पड़वा गांव आ गए, हीरा दो पांव का आदमी, नवा सुरुज, नुक्कट नाटक संग्रह, जो कि सुरेंद्र दुबे जी की रचना है, और इसमें लवकुश खंड काव्य नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस किस पर कविता लिखू के रचनाकार हैं? विनय कुमार पाठक, दानेश्वर शर्मा, सुरेंद्र दुबे, लोचन प्रसाद पांडे। इसका आंसर है सुरेंद्र दुबे जी, जो कि किस किस पर कविता लिखू के रचनाकार हैं सुरेंद्र दुबे जी। यहाँ पे सुमेलित नहीं है कहा गया है। तो इसमें देख रहे हैं, बंसीधर पांडे विश्व का फल, मुकुटधर पांडे पूजा के फूल, मेदिनी प्रसाद कछेरी, शुक्लाल पांडे दुर्जन दर्पण। तो यहाँ पे शुक्लाल पांडे दुर्जन दर्पण नहीं है। इसमें बंसीधर पांडे विश्व का फल, मुकुटधर पांडे पूजा के फूल, मेदिनी प्रसाद कचहरी, ये तीनों सही हैं। इसमें शुक्लाल पांडे दुर्जन दर्पण सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? कर्ण, राम, शिव, कृष्ण। तो छत्तीसगढ़ी दान लीला कृष्ण जी पर केंद्रित है। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? श्रीमती गिरिजा शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती निरुपमा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है श्रीमती गीता शर्मा, जो कि शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोगरा के रचनाकार हैं? शिव शंकर शुक्ला, केयूर भूषण, कृष्ण कुमार शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोगरा के रचनाकार हैं शिव शंकर शुक्ल जी, इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित मेदिनी प्रसाद पांडे। तो इसका आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? शिवशंकर शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, गजानन माधव मुक्तिबोध, दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वराज प्रसाद त्रिवेदी, शुक्लाल प्रसाद पांडे, पंडित माधवराव सप्रे। इसका आंसर है शुक्लाल प्रसाद पांडे, जो कि
शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किए हैं। तो फ्रेंड बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसे लगा आज का कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।